प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो, तुम तो सब जानते हो। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो, जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगा प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। यूं कि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु, तुम चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले चार सोमवार और लग जाए। देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बात हो से यारी मारता है। चुप रहा कन्या। बेफुजल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कमारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, क्योंकि यूं के धनों के साथ तांगा चलाती रहोगी, हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठ कर रमा धुनी, बसंती चली अपने घर। बसंती, बसंती सुनो तो। जय, आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला? तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है। और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा आठवां फैसला है। ये फाइनल है यार। फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना यार। पार्टनर, मेरा एक काम कर दे यार। वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए। मैं क्यों करूं? अरे, लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा। घर तो तेरा होगा। एक बीवी होगी। तेरी होगी। सात आठ बच्चे होंगे। तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना, प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे, और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली। समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी
बसंती की शादी मुझसे करवा दे, लेकिन ये मत भूल जाए जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा, तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला? साला नौटंकी, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। चल बस बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। सच? अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। दो दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी न जाने क्या करेगा। कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड। अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो, अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? गांव वालों, भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्तों, तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ, वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो, देखा देखा तुमने? हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। यूं कि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो अरे संभालो, या न दोस्त, इसलिए मैं जानते कर रहा हूँ। लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail. In jail, बुढ़िया चक्की पीसिंग। अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी? अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे करूंगा। एक, दो, तीन। मौसी, मौसी हाँ कह दो ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ कह दो मौसी। हाँ, जीरो, ठहर जा, मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है, बसंती से। वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गांव वालों,
दिया है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा। अब मैं क्या करूं चाचा? अच्छा अब्बा जा रहे हो मियाँ? जाओ अल्लाह के सपुर्द पहुंचते याद से खत लिख देना खैरियत का। जी अब्बा। मियाँ तुम खाने पीने के मामले में बड़े लापरवाह हो, जरा सेहत का ख्याल रखना। भाई खुदा बख्शे, हमारे वालिद कहा करते थे कि जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान। चल थोड़ी दूर साथ चलता हूँ, सैर भी हो जाएगी। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए, यहीं से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आओ भाई जरा। चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है। चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया।